ट्रेन में चाय बेचने वाले को वसई रेलवे सुरक्षा बल के जवान ने बुरी तरह से पीटा। वसई के पैसेंजर व मेल ट्रेन में चाय बेचने वाले इस व्यक्ति को आरपीएफ के जवान दिनेश स्वामी ने बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। ऐसा आरोप चाय बेचने वाले हरितोमन ने लगाया है। इस वीडियो से पता चलता है कि सच क्या है, और यही नहीं, इसे रेलवे पुलिस को महीने का हफ्ता देने की बात भी बताई। उसने बताया, हम 7 से 8 हज़ार रुपये महीने का हफ्ता भी देते हैं, और पैसे नहीं देने पर हमको डंडे से मार मार कर घायल कर दिया। नाम क्या? हरी सिंह। हरी सिंह बताओ, कैसे कैसे मारा है तेरे को पुलिस वाले? वो इस दिनेश स्वामी साहब। कैसे, किस तरह से मारा है? डंडा था एक उसका, बांस का डंडा। तो मैं साफ साफ बोलते जा रहा हूँ, वो दो स्टार साहब थे, वो तो ना बोले बहुत इससे, पर ये पी के आया रात में। तो मेरे से पहले से भी जला हुआ है, वैसे भी भड़कता है, तो आया रात को, साहब की नहीं सुना, ताला अंदर बंद किया, लॉकअप मेरे को अंदर कर लिया। फिर उसके बाद मेरी धुलाई चालू कर दी। देख, दो डंडे तो टूट गए मेरी पीठ पे। फिर मैं साफ साफ बोल रहा हूँ पर नहीं माने। फिर लोगों ने मेरे दर्द की गोली खिलाई दो रात में, तब मेरा दर्द बंद हुआ। क्यों मारा लेकिन आपको? हम लोग धंधा करते हैं साहब, ट्रेन में धंधा करते हैं, पकड़ के लाए, बोले केस करेंगे, तो मैं आ गया, नीचे आ गए लोग के साथ में। रात में ड्यूटी पे भी नहीं था, तो भी आया, घर से आया रात में, फिर इसने मुक्का मारा इसने। दूसरी तरफ वसई आरपीएफ की माने तो हरी तोमर इंदौर पुणे ट्रेन में चाय बेचते समय एक गर्भवती महिला और कुछ सीनियर सिटीजन लोगों के साथ में धक्का मुक्की की, और यात्रियों ने कंट्रोल को सूचित करके बताया। शिकायत के आधार पर हमने अपने जवान को भेजकर गाड़ी के बोगी से तोमर को पकड़कर आरपीएफ चौकी लाया और मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां हरी तोमर ने अपना गुनाह कबूल किया और 900 का चार्ज करके हमने उसे छोड़ दिया था। इसके बाद उसको किसने मारा, इसमें हम कुछ जानकारी नहीं दे सकते, और ना ही हमारे जवान ने मारा, ऐसा कहना आरपीएफ का कहना है। बसंत अग्रहरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समय नेशनल, वसई। तो किसी ने नहीं है यहाँ पर कल ऐसा शिकायत, और जैसे आज कहीं न्यूज़पेपर के अंदर और मैं ऐसा देखे हैं, यहाँ पर पुणे इंदौर गाड़ी आती है रात को 10:30 बजे, उस गाड़ी में कुछ यात्रियों ने पिछले आधे पौन घंटे से एक पैसे व्यक्ति को चाय बेचते हुए पकड़ा था, और उनके साथ में उनका झगड़ा हुआ था। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिला कि ऐसे किसी कोच के अंदर झगड़ा हो रहा है, तो उस झगड़े के हमारा ऑन ड्यूटी स्टाफ राम प्रकाश सिंह सब इंस्पेक्टर और ड्यूटी में जो तैनात स्टाफ थे वो अटेंड किए। तो यात्रियों ने बताया कि ये पिछले करीब 45 मिनट से कोच के अंदर चाय भी बेच रहा है, और एक यात्री की प्रेग्नेंट औरत थी, उसको भी उसने धक्का मुक्की किया, लड़ाई झगड़ा किया, न्यूसेंस किया उसको। यहाँ पर हमारे स्टाफ ने उसको रोका, यहाँ पर रोकने के बाद में यात्रियों से पूछताछ किया, तो यात्रियों ने अपना नाम परिचय और बताने से इनकार कर दिया, यह कहकर के इनकार कर दिया कि हम ऑनलाइन कंप्लेन करेंगे। उसके बाद उसको कार्यालय में लेकर के आए, तो कार्यालय में लेकर के आए, यहाँ पर उसको पूछताछ किया, तो उसने भी यहाँ पर कुछ बताने से, उसकी तरफ से कोई भी शिकायत होने से मना कर दिया। फिर कार्यालय में लाने के बाद में उसके ऊपर जो हमारे 144 धारा चाय बेचने का और का, और स्टाफ के कार्य में बाधा डालने का, और पैसेंजर के साथ में न्यूसेंस करने का, ये सब हमारे रेलवे एक्ट में जो कार्रवाई है वो कार्रवाई करके दूसरे दिन उसको न्यायालय में पेश किया, मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट सामने जब पेश किया तो किसी प्रकार का उसका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने तक कोई शिकायत नहीं था। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, उसने 900 रुपये आर्थिक जुर्माना भर के वहाँ से रिलीज हो गया, करीब 12:30-12 बजे यहाँ से रिलीज हो गया। अब रिलीज होने के बाद यहाँ से कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, उसने फाइन भर दिया, फाइन भरने के बाद में कहाँ गया ये हमारे कोई जानकारी में नहीं। सर, जिसको पीठ पे या और कहीं पे भी निशाने बता रहे हो, बार बार किसी ऑफिसर का नाम ले रहा है, उसने मारा, क्या सच्चाई इसकी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा क्या सच्चाई है? अगर ये आप ये सच्चाई अगर हो और ऐसा कुछ है तो उसके अंदर कोई बंदे को परेशानी होती है तो मजिस्ट्रेट के सामने जाता है, तो वहाँ पर भी बता सकता है कि मेरे सामने ये मेरे साथ में परेशानी हुआ। मजिस्ट्रेट के सामने जा करके कोर्ट में पेश किया, कोर्ट में साफ शब्दों में उसने अपना गुनाह स्वीकार किया, फाइन भरा और चल दिया। कोई पीठ का निशान और ऐसा हमारे को तो कहीं नज़र आया नहीं, उसको प्रतीत ऐसा हुआ नहीं।